Assalamualaikum. इस वक्त मैं मदीना मुनव्वरा की गलियों और सड़कों पर हूँ, आप सबको दिखा रहा हूँ। एडवोकेट मुश्ताक अहमद साहब खुश आमदेद, राजा अली बिलाल साहब वालेकुम अस्सलाम, राजा अली बिलाल साहब पेज के ऊपर शेयर कर दें। बहुत प्यारा मौसम है, जिस तरीके से मदीना मुनव्वरा की आबो हवा मशहूर है कि मक्के से यहाँ पे मौसम खुशगवार होता है, क्योंकि हमारे आ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना के करीब पहुँचते थे तो अपने चेहरे मुबारक से चादर हटा देते थे और मदीना की हवा का मज़ा लेते थे। तो मदीना की हवा में बहुत लुत्फ़ है माशाल्लाह। टेम्परेचर इस वक्त जो आउटसाइड टेम्परेचर है 26 है, ठंडी हवा चल रही है। मक्के में आपको मालूम है कि अल्लाह का जलाल होता है, तो अल्लाह के जलाल की वजह से गर्मी होती है। यहाँ पे हाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत यहाँ पे एक और एहसास होता है, और मदीने की खाक में भी शफा है। तो ये देखिए बुलंदो बाला होटल्स, ये सारे 5-स्टार होटल हैं हरम के बिल्कुल साथ। राजा अली बिलाल साहब मैं बिल्कुल ठीक, अब अपना सुनाएं। आसिफ जहीर वालेकुम अस्सलाम, फातिमा अली बिलाल शेख आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये न्यू होटल्स भी बन रहे हैं, दियारे तैबा ये आपके सामने होटल, और मेरी राइट साइड के ऊपर ये देख लीजिए नाम जल नारे तैबा, और लेफ्ट साइड के ऊपर अल नखील होटल और सराया तैबा, ये सारे मुख्तलिफ होटल्स हैं। पुरानी रिहाइश गए यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं, जो चीप होटल्स थे वो सब मिसमार कर दिए हैं। अब सिर्फ 3-स्टार 4-स्टार 5-स्टार होटल यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि 3-स्टार भी एक आध हैं, बाकी 4-5 स्टार। वालेकुम अस्सलाम। और ये देखिए जी सुभान अल्लाह, मस्जिद नबी के मीनार आपको नज़र आ रहे होंगे। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इन मीनारों की ख़ास बात है कि एक दूसरे के सामने हैं लेकिन जुदा नज़र आते हैं। ये देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, मस्जिद नबी के मीनार हैं माशाल्लाह। और ये जन्नतुल बकी की दीवार है, ये जो बिल्कुल आपको इधर ये जो ग्रिल नज़र आ रही है जन्नतुल बकी, इस कब्रिस्तान में तकरीबन 10,000 से ज़ायद सहाबा कराम मदफून हैं, जिनमें हज़रत उस्मान गनी और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक भी इसी कब्रिस्तान में है जन्नतुल बकी में। तो ये देखिए आपको मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे हैं, और ये देखिए सराय तैबा,
सामने जमजम पुलमैन मदीना मोवन पिक आपको नजर आ रहा है। बहुत ठंडी हवा है माशाल्लाह। यकीन करें मदीना में आके ऐसे एहसास होता है ना कि जिस तरीके से हमें मक्के में तो खौफ होता है, अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, जलाल होता है, और मदीने में आके लगता है कि जिस तरीके से हम आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगोश में उनके रहमत के साए तले आ गए हैं, तो बहुत मज़ा आता है। मदीने की सड़कों में घूमें, गलियों में घूमें, इस शहर में घूमें जो हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा शहर था, जहाँ पे उन्होंने हिजरत करके यहाँ पे वो रहे और आखिर में दफन भी यहीं हुए। तो ये है मदीना। मदीना में आसपास थंडरस्टॉर्म भी आज रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया में बारिश भी ज़्यादा होती है। शाहिद सलीम वालेकुम अस्सलाम, फैज़ान सुलंगी वालेकुम अस्सलाम, राजा सईद साहब वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद, रिहान इरफान, हम सब आपको खुश आमदीद कहता हूँ मैं। और अभी आपको एक तारीखी मस्जिद भी दिखाऊंगा जो हमारे जो मुअज्जिन रसूल थे, आप समझ गए होंगे, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हो, मस्जिद बिलाल में अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक और फाइव स्टार होटल बन रहा है, और ये पार्किंग है हरम की, हरम पाक की। ये गाड़ियाँ नीचे से निकल रही हैं, बहुत वसी और रीज पार्किंग है हरम पाक की, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और मस्जिद बिलाल मैं आपको दिखाता हूँ जी दूर से, ये सामने ये जी सब्ज़ गुंबद आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए थोड़ा सा आगे साइन बोर्ड था, ये सब्ज़ गुंबद और ये सब्ज़ मीनार लाइट्स, ये मस्जिद बिलाल है। और ये हरम की पार्किंग, ये नीचे देखिए हज़ारों गाड़ियाँ हरम के नीचे पार्क हो सकती हैं, हज़ारों गाड़ियाँ, और ये निकल रही हैं, बहुत बड़ी लामहदूद पार्किंग है ये मस्जिद नबी के नीचे बेसमेंट में। और ये देखिए पुलमैन होटल, फाइव स्टार होटल पुलमैन। दिशान सादिक साहब वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान में तो इस वक्त मिडनाइट से भी ऊबर टाइम है, तो यहाँ पे अभी क्योंकि टाइम डिफरेंस 2 आवर्स का है। ये देखिए जी इसके ऊपर हेलीपैड भी बना हुआ है, पुलमैन जमजम होटल फाइव स्टार होटल है। मदीने की इमारतें, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है, 12 फ्लोर से ऊपर कोई भी ऊंची इमारत नहीं है मदीना मुनव्वरा में। 12 स्टोरीज सब बिल्डिंग जो फाइनल है वो 12 है, और उसमें मेज़ान और ग्राउंड फ्लोर, फिर नीचे 2 पार्किंग, तो यानी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 12 स्टोरीज आर अलाउड, इससे ऊंची इमारत मदीने में कोई भी नहीं है। और ये देखें फिर एक खूबसूरत नज़ारा कैप्चर कीजिए जी, ये स्क्रीन शॉट मस्जिद नबी के मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, और ये मानो बिली ब्लैक कैट खरामा खरामा मदीने की सड़कों पे। और राज कर रही हैं, देखें शहर अमन शहर नबी, क्या बात है मदीना की हवा की, यकीन करें। पुलमैन ये आपके सामने बहुत बड़ा होटल है ये, और इसके साथ ये जो बिल्डिंग है आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है,
लेकिन ये कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या म्यूजियम है या कोई है गवर्नमेंट की, बहुत ज़बरदस्त। देखें कंस्ट्रक्शन और इसका स्ट्रक्चर देखें, डिज़ाइन देखें, आर्किटेक्चर इसका देखें, बहुत ज़बरदस्त है। अयान मलिक थैंक यू सो मच, आप सब भी खुश नसीब हैं, आपके लिए दुआएं हो रही हैं और आप देख रहे हैं घर में बैठ के आप मदीने की सड़कें देख रहे हैं, गलियां देख रहे हैं। और ये पेंट पार्किंग है, पार्किंग के नंबर लिखे लिखे हुए हैं 471 470। ये दोनों साइड के ऊपर पेड पार्किंग, ये पेड मशीनें आप मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं और रियाल डाल के कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं। पुलमैन की एंट्रेंस फंदक मनाज़िल अल क़िबला, ये आपके सामने एक और होटल है। अच्छा जी मलिक नईम अब्बास साहब ये कोर्ट है। चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर अपडेटिंग मी, पे बाय ऐप मीटर एप्लीकेशन है, आप उसके ज़रिए भी पे कर सकते हैं। नईम अब्बास साहब थैंक यू, मेरे जहन में ये निकली हुई थी कि ये बिल्डिंग कौन सी है, आपने मेंशन कर दिया कि ये कोर्ट है, काजी की अदालत है। ये देखिए जी हरम बाग मस्जिद नबी फिर आपके सामने। ये देखें जी क्राउन प्लाजा होटल, और ये सामने फिर हरम, ये हरम की मेन एंट्रेंस है इस साइड से, और आई थिंक इस गेट का नंबर है 4। और ये देखें सफाई का इंतज़ाम करने वाले, ये सफाई साथ साथ जारी है, बेंच बनी हुई है रिलैक्सेशन के लिए, बैठ जाएं सामने हरम और यहाँ पे आप बैठ जाते हैं। और देखें आपको विंड विंड दिखाऊंगे कितना विंडी कंडीशन है, ये देखिए कितना तेज़ हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, और यकीन करें कि लगता है कि उड़ जाऊँगा इतना तेज़ हवा। ये इस तरफ को देखिए, ये देखिए बहुत बहुत ठंडी हवा है, बस वो कहते हैं ना कि रूह तक ठंड पड़ जाती है। और मस्जिद बिलाल यहाँ से बिल्कुल साफ, एक और व्यू आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी स्क्रीनशॉट ले लें मस्जिद बिलाल का। बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, ये देखें कपड़े देखें किस तरीके से उड़ रहे हैं, दरख्त माशाल्लाह, बहुत ठंडी हवा है जी, जिस तरीके से सुनते थे मदीना। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट बना लें, जमजम पुलमैन और सामने हरम। ये देखिए जी ये स्क्रीनशॉट बनाएं, माशाल्लाह ज़बरदस्त मस्जिद नबी आपको नज़र आ रही है। साहबजादा नसरुल्ला मोहम्मद हुसैन आपको खुश आमदीद कहते हैं, अंबर मुस्तफ़ा खुश आमदीद। मदीने शहर की सड़कें गलियां, यहाँ से हमारे नबी पाक हमारे मुख्तलिफ सहाबा कराम गुज़रते होंगे इन सड़कों से। उनकी यहाँ से हम यादें ताज़ा कर रहे हैं, वही लुत्फ उठा रहा हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे चलते होंगे। और यकीन करें कि खुशबू महसूस हो रही है, रूह तक को ठंड पड़ जाती है, क्योंकि हम इस तरह लगता है मक्के में, मैंने आपको बताया कि अल्लाह का जलाल होता है, डर डर के सहम सहम के खौफ से टांगें कांप रही होती हैं, जब शहर मदीना में आते हैं इस तरह लगता है कि जैसे आगोश में आ गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए में। बहुत यानी बहुत सुकून, आपने यहाँ की अजान भी सुनी, बहुत धीमापन ठंडापन और बहुत मीठे लोग, क्योंकि मदीने में ज़्यादातर सहाबा कराम की औलादें उनकी नस्लें हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल शहर सलीम, नूर ही नूर, रहमत ही रहमत। और ये देखें जी
होटल नुस्कल मदीना, ये सामने आपके क्राउन प्लाजा, फंदक, अल अंसार, और ये सामने हरम, और अब मेरा होटल भी आ गया है। तो ये सामने बिल्कुल हरम, 100 फुट के फासले के ऊपर गेट है। मैं एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। होटल अलीमान, अल किबला, फंदक, अल रजल अखजर, अल फिरोज, अल किबला होटल, ये सारे 5-स्टार होटल हैं। ये देख लीजिए सामने आपके हुलमैन, सऊदी अरब का झंडा हर होटल के आगे, गाड़ियाँ देखिए, बहुत मज़ा है मदीने। यकीन करें अल्लाह ताला आप सबको लेके आए, और ज़रूर यहाँ पे पैदल चलिएगा, वॉक कीजिएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं आया हूँ, शदीद गर्मी भी हो ना यहाँ पे, अगर आप 40+ टेम्परेचर है तो एकदम से इतना ठंडी हवा चलने लग जाती है कि हम हैरान हो जाते हैं। ओहद के पहाड़ वाली साइड से, जन्नतुल बकी वाली साइड से, और जो मक्का वाली साइड है वहाँ से बहुत ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है, और टेम्परेचर यकदम 40-42 से 30-32 तक, कभी कभी 28 तक। और एक बार मैं यहाँ सर्दियों में आया था, आपको बताऊँ कि जो मिनिमम टेम्परेचर था मदीने का वो 3 सेंटीग्रेड तक गिर गया था, और मेरे सर्दी की शिद्दत से मेरे हाथ पाँव लिप्स फट गए थे, इतना ठंड थी। तकरीबन दिसंबर जनवरी का महीना था, यानी 3 सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर यहाँ पे मिनिमम रिकॉर्ड हो जाता है। तो मदीने की आबोहवा मक्के की आबोहवा से निस्बतन ठंडी है। देखिए जी, शेयर करें, मैं आपको मदीने की ज़ियारत करवाई है, मस्जिद नबी से भी लाइव ले आए हैं, मक्के की शहर की गलियां भी मैंने कोशिश की थी कि आपको दिखा सकूं, अब आपको मदीना दिखा रहा हूं। बस मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, शायद आपकी दुआओं की वजह से मैं बार बार यहां पे आता हूं, ये भी हो सकता है क्योंकि मेरी शायद कबूलियत की जो दुआएं हैं वो आपके थ्रू हूँ, तो काइंडली मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, जितना हो सके दुआएं किए करें, मैं और कुछ भी नहीं मांगता। ये मेरा होटल है जी मकारम, और ये सामने हरम, 5 नंबर गेट, ये देख लीजिए। यानी मुझे यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आधा मिनट यानी 30 सेकंड मुझे लगते हैं हरम में पहुँचने। और ये हजाज साहबान बैठे हुए हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। अल्लाह ताला सबको उम्रे और हज की सादत नसीब फरमाए। 2 एंट्रेंस हैं, एक उधर से एंट्रेंस है, एक फ्रंट से है। तो अभी मैं फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी रूम तक चलते हैं। للفائض مكسب الشركة لك.
رسول الله فاقتفى القلب حنينا طالبا لقيا يا طيبة الأنوار لي شوق تبعته ذا يا طيبة الأنوار لي شوق تبعته ذا شوق تبعته ذا يا رسول